हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर नवरात्रि पर माता रानी के लिए दो बहुत ही सुंदर सी अलग अलग डिजाइन की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई हमारी 13.5 इंच की है। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह का दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो मैचिंग का भी कपड़ा ले सकती हैं। तो दोनों को यहाँ पर मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें इसमें नीचे की तरफ दाब सिलाई लगा देनी है और बाद में पूरे में भी सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने समोसा वाली लेस को लिया है। तो इसको हमें बिल्कुल किनारे पर कुछ तरह से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने चौड़ी वाली कुछ तरह की लेस को लिया है, तो इसको भी हमें यहाँ पर रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमें फिर से समोसा वाली लेस को लेना है। तो इसको हमें ऊपर की तरफ कुछ तरह से रखना है और रखने के बाद यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। लेस को हमें अंदर की तरफ इस तरह से रख के ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, यहाँ से बराबर कटिंग करेंगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पलेटें सिलेंगे। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना है। तो इसमें छोटी छोटी पलेटें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पलेटों को डाल लिया है। कमर की यहाँ पर गुलाई नाप लेते हैं। तो गुलाई हमारी 4 इंच की है। और यहाँ पर मैंने दो पेपर पेस्टिंग ली है, इनकी लंबाई 4.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 3.5 इंच की है। और यहाँ पर मैंने दो पट्टी ली हैं पेपर पेस्टिंग की, तो इसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। और एक पट्टी की लंबाई 2.5 इंच है, चौड़ाई 2 इंच है। इनको कपड़े पर देखिए मैंने चिपका भी लिया है। और यहाँ पर हमें समोसा वाली लेस को लेना है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से सीधा रखेंगे और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी लेस को सिला है। अब हम इसमें छोटी छोटी पलेटें सिलेंगे। तो हमने एक पैटर्न को यहाँ पर तैयार किया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पैटर्न भी तैयार किया है। इनको दोनों को मिलाकर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इसको कुछ तरह से सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लहंगे में कमर पट्टी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रखना है, कुछ तरह से रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा दिया है, यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ तरह से मैंने यहाँ पर कमर पट्टी को भी सिल लिया है। इसको यहाँ से कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें प्रेस लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर प्रेस को भी लगा दिया है। इसको यहाँ से बराबर करके बी सेंटर पर निशान लगा देना है। तो हमने निशान को लगा दिया है। इसको यहाँ पर कुछ तरह से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ से मैंने सिलाई को लगा दिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं उल्टी साइड से। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है, तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर साइड में भी गोटा पट्टी को सिल लेते हैं। तो एक तरफ से मैंने गोटा पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी गोटा पट्टी सिली है। और जो हमने यहाँ पर छोटी वाली पट्टी कटिंग करी थी, तो इसको भी मैंने कपड़े पर चिपका लिया है। इसको यहाँ पर रखेंगे और तीन तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर समोसा वाली लेस को रखेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद में हमें इसमें एक पलेट डाल लेनी है इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार किया है। दोनों को यहाँ पर मिलाकर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इसको हमें कुछ तरह से यहाँ पर रख लेना है। पहले हम यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं और इसको कुछ तरह से चिपकाएंगे और इसमें हमें एक फ्लोबल लगा देना है, ठीक है। तो जिस कलर का हमारा लहंगा है उसी कलर का हम यहाँ पर फ्लोबल लगाएंगे। तो कुछ तरह से हमारा माता रानी का लहंगा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर सा हमारा लहंगा बना है। अब हम यहाँ पर पटका बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 12 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी एक पेपर पेस्टिंग ली है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और कुछ तरह से हमें फोल्ड करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो निशान हमें यहाँ पर लगाना है 1 इंच पर और कुछ तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो इसी निशान पर हमें कटिंग कर देना है। इसको हम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर इसको चिपका लिया है। इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखेंगे, दोनों को मिलाकर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है और यहाँ पर हमें फिर से लेस को लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे और पहले हमें इसमें समोसा वाली लेस को लगाना है। तो इसको सीधी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमें लेस को रख लेना है कुछ तरह से और फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा दी है और एक समोसा वाली लेस को हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी सिल लेते हैं कुछ तरह से। और बची हुई जो हमारी लेस है तो उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें लेस को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से समोसा वाली लेस को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ भी इसको सिल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी लेस को सिल लिया है और यहाँ पर हमारा पटका भी बनकर तैयार हो गया है। तो देखा हमने कितनी आसानी से कितनी सुंदर सी माता रानी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने माता रानी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह का
बुकरम लिया है। तो पहले हम यहाँ पर कलियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 इंच का आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। और इसके बीच सेंटर पर हम यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें दोनों निशान को मिला देना है। इस साइड से भी हमें दोनों निशान को मिला देना है। फिर हम यहाँ पर इस साइड में 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड में 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें पूरे बुकरम में कलियों का निशान लगा देना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो कुछ तरह से मैंने एक कली की कटिंग करी है, अब हम यहाँ पर दूसरी कली कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह से कलियों की कटिंग करी है, अब हम यहाँ पर एक कली को लेंगे और नीचे से हमें इस तरह से गुलाई कर देनी है। दूसरी कली में भी हमें इसी तरीके से इसको रख के गुलाई करनी है। फिर हमने अत्तर लिया है, अत्तर मैंने डबल लिया है और इसके ऊपर कली को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। और यहाँ पर बचे हुए अत्तर की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, अब हम यहाँ पर पतली वाली गोटा पट्टी को सिलेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो एक गोटा पट्टी को मैंने सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी भी गोटा पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। बची हुई गोटा पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कली को तैयार किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही मैंने अलग अलग कलर की और भी सारी कलियाँ तैयार करी हैं, ग्रीन कलर और रेड कलर की मैंने कलियाँ तैयार करी हैं और टोटल मैंने यहाँ पर 7 कलियाँ तैयार करी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चौड़ी वाली गोटा पट्टी लेंगे। तो इसको हमें यहाँ पर साइड में कुछ तरह से रख लेना है। रखने के बाद हमें इसमें एक धाप सिलाई लगानी है। तो एक पट्टी में मैंने साइड से गोटा पट्टी को सिल लिया है, यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी गोटा पट्टी को सिलेंगे। तो इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से रख के इसको सिल लेते हैं। बिल्कुल सफाई के साथ हमें गोटा पट्टी को नीचे की तरफ भी सिल लेना है, ठीक है। तो एक कली में मैंने इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर की कली को लेंगे और इसको भी हमें इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरे कलर की जो हमारी ग्रीन वाली कली है इसको भी सिल लेते हैं और यहाँ पर भी हमें ग्रीन कलर की ही कली को रखना है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर रेड कलर की कली को रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने नीचे की तरफ कुछ तरह से गोटा पट्टी को सिल लिया है और साइड से भी हम यहाँ पर गोटा पट्टी को सिल लेते हैं। तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस सिलाई को लगा दिया है, बची हुई गोटा पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए पूरे में मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए कली को सिल लेना है। तो कुछ तरह से मैंने 2 कलियों को सिल लिया है आपस में, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो कुछ तरह से मैंने टोटल 3 कलियों को सिल लिया है आपस में।
ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथी कली को भी सिल लेते हैं। तो इसको बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सारी कलियों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्के हाथों से कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, यहाँ पर कमर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कमर आएगी 4 इंच की। तो यहाँ पर हमें फिर से गोटा पट्टी को लेना है और इसको फोल्ड करके पहले हम यहाँ पर ऐसे ही इसको सिल लेते हैं, ठीक है। 5 या 6 इंच तक हमें इसको सिल लेना है और इसके बाद में हम यहाँ पर लहंगा को रखेंगे। इसके अंदर हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी हमें गोटा पट्टी को ऐसे ही सिल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई को निकाल देंगे और बची हुई गोटा पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी माता रानी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसको हमें इस तरह से बांध लेना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है रेड कलर की। तो इसकी लंबाई है 14 इंच की, 14.5 इंच है और लंबाई हमारी 3.5 इंच है। इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है दोनों तरफ से और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है वहीं पर हमें पतली वाली गोटा पट्टी रख के यहाँ पर इसको सिल लेना है और एक गोटा पट्टी हम और लगा लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगा देनी है और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे और इसको इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। तो चलिए दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर तैयार हो गई है। इसको हमें पीछे की तरफ ले जाकर डोरी को बांध देना है। तो अब हम यहाँ पर माता रानी की चुन्नी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक पट्टी ली है। तो लंबाई 12 इंच की है और चौड़ाई हमारी 5.5 इंच है। इसको हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर पतली वाली गोटा पट्टी को रखेंगे। जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है वहीं पर हमें रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो गोटा पट्टी को भी हमें चारों तरफ से ही सिल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ तरह से नुक बनानी है तभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी को सिल लिया है और फिर से हमें इसको कुछ तरह से फोल्ड करना है तिरछे में और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर सुई को रोक के इस साइड से भी इसको घुमाकर हमें सिलाई लगानी है और ऐसे ही हम यहाँ पर इस साइड में भी गोटा पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी माता रानी की चुन्नी भी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर मैंने कुछ तरह का गिलू लिया है। इसमें हमें स्टोन लगाने हैं तो पहले हम यहाँ पर गिलू लगा लेते हैं और यहाँ पर हम स्टोन चिपका लेते हैं कुछ तरह से। तो ऐसे ही हमें सारी कलियों में स्टोन चिपका देने हैं, ठीक है। तो कुछ तरह से हमारी माता रानी की लहंगा चुन्नी और जो चोली है वो बनकर तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी माता रानी के लिए
नवरात्रि पर इस तरह की ड्रेस बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको कुछ तरह से चोली को पहनाना है और उसके बाद में आपको लहंगे को भी पहना देना है। तो हमारे पास शेरों वाली माँ नहीं है, तो हमने काली माता के लिए इस तरह से ड्रेस पहना कर आप लोगों को दिखाई है।